अफगानिस्तान में भूकंप ने भयंकर तबाही मचा दी है। मंगलवार देर रात आए भूकंप ने कई लोगों को मौत के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है कि भूकंप से 900 से ज्यादा लोगों की जान गई और 610 लोग जख्मी हैं। आंकड़ा बढ़ भी सकता है। भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 6.1 थी। ये दावा आपदा प्रबंधन विभाग के डेप्यूटी मिनिस्टर मौलवी शरफुद्दीन ने किया है। इससे पहले 255 लोगों के मारे जाने की बात कही जा रही थी। अफगानिस्तान से कई तस्वीरें सामने आई हैं जो तबाही की दास्तां बयां करती हैं। एक तस्वीर में हेलीकॉप्टर से लोगों को निकालकर इलाज के लिए ले जाया जा रहा है। दूसरे में घायलों का इलाज जमीन पर ही लिटाकर चल रहा है। किसी को फ्लोट चढ़ाया जा रहा है। कुछ लोग धराशायी हुए मकान के पास ईंट उठाते नजर आ रहे हैं। तालिबान सरकार में डेप्यूटी स्पोक्समैन बिलाल करीमी ने कहा कि पक्तिता प्रांत में भूकंप में सैकड़ों लोगों की मौत हो गई। उन्होंने कहा, मैं सभी सहायता एजेंसियों से अपील करता हूं कि मौके पर मदद के लिए पहुंचे। काबुल में प्रधानमंत्री मोहम्मद हसन अखुंद ने राहत बचाव के लिए आपातकाल बैठक बुलाई है। वहीं अफगानिस्तानी सीमा के पास पाकिस्तान के कुछ इलाकों में भी भूकंप का असर हुआ। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक बयान में दुख व्यक्त किया और कहा कि वो अफगान लोगों की मदद करेंगे। यूरोपियन सिस्मोलॉजिकल एजेंसी का कहना है कि लगभग 500 किलोमीटर के इलाके से भूकंप का असर रहा है और इससे 11.9 करोड़ लोगों पर फर्क पड़ा है। भूकंप के ये झटके पाकिस्तान में भी महसूस किए गए थे, तो वहीं US जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान के दक्षिण पूर्व में था। पाकिस्तान मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान में खोस्त से 44 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम में 50.8 किलोमीटर की गहराई पर था। भूकंप देर रात स्थानीय समय के मुताबिक 1:54 पर आया। पेशावर, इस्लामाबाद, लाहौर और पंजाब के अन्य हिस्सों, खैबर पख्तूनख्वा प्रांतों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसकी वजह से जानमाल के किसी तरह के नुकसान की फिलहाल कोई खबर नहीं है। पाकिस्तान भूकंप की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र में स्थित है और अक्सर यहां भूकंप आते रहते हैं। एक सप्ताह के भीतर आया ये दूसरा भूकंप है। 17 जून को देश में 5.2 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। देश में 2005 में एक भीषण भूकंप में 74,000 से अधिक लोग मारे गए थे। न्यूज एजेंसियों के मुताबिक भूकंप की वजह से अफगानिस्तान में अब तक 950 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। 600 से ज्यादा लोग जख्मी हैं और ज्यादातर असर भूकंप पक्तिता और खोस्त प्रांत में आया है। आपको बता दें कि भूकंप की अधिकतम तीव्रता अब तक नहीं तय हो पाई है। हालांकि रिक्टर स्केल पर 7 या उससे अधिक की तीव्रता वाले भूकंप को सामान्य से खतरनाक माना जाता है। अफगानिस्तान में आया भूकंप इससे कुछ ही कम तीव्रता वाला था। वीडियो डेस्क, amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।